महोदय, महामहिम जी के भाषण के ऊपर चर्चा करने से पहले दो मिनट में हमारे दो दिन पहले मकराने में कांग्रेस पार्टी के बड़े और अच्छे नेता है वो मकराने आए, उसके बारे में जब बड़ा नेता आता है हमारी सरकार के है और अपनी पार्टी के पहले अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, अभी उपाध्यक्ष है, आगे भी अध्यक्ष बन जाएंगे, पार्टी खुद की है, जैसे चाहे वैसे कर पाएंगे। कुछ मकराने की झलकियां हैं जो आए, किसानों के बारे में कहने आए, मैं तो प्रशंसा ही करूंगा क्योंकि मेरे मुंह से किसी की बुराई निकलती नहीं है भाई, एक अच्छे हैं, सच्चे हैं, आए मकरा। हाँ, नहीं सुनाऊंगा, पहले मुझे सुन तो लो, मैं तो दो मिनट देखो ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन राहुल जी मकराने में आए उसके बारे में कुछ झलकियां हैं। राहुल जी मकराने में आ गए, छा गए, नया इतिहास बना गए, मार्बल के हजारों व्यापारियों को किसान बता गए, ये सच है। मैं हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा, कुछ ऐसी घटना हुई, कहावत है कबीरा संगत साधु की जो की भूसी खाए, मतलब जो साधु की संगत कीजिए चाहे वो घास ही खाए, और ये हमारे ग्रंथों में है, शास्त्रों में है, परंपरा में है कि जिसका जैसा संगत करेंगे असर आएगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि एक तो उनके आने के बाद में कुछ ऐसी झलकियां हुई जो कभी नहीं होती है। हमारे अच्छे वक्ता है आपकी पार्टी के मुकेश भाकर, बोलोगे हाँ तो अभी है क्या आप यहाँ? तो ये अच्छे वक्ता है, मैंने इनका वीडियो देखा, अब क्या पता बोलने से पहले कुछ मैंने ज्यादा महसूस किया ऐसा कि जब भी हम कभी बोले हमसे ज्यादा बड़ा ज्ञानी दानी बुद्धिमान हो तो हमारी कुछ योग्यता या प्रभाव कम हो जाता है, ये शायद किसी में हुआ होगा। अच्छे वक्ता है मेरे मुकेश भाई, लेकिन बोल गए कि तेजाजी महाराज अपने लोक हित में, प्राय हित में अपने प्राणों की बलि दे दी, और मीराबाई ये ऐसे देव पुरुष थे, वीर पुरुष थे, जिन्होंने इससे पहले भी लोकसभा और विधानसभा में किसानों के हित की बात उठाई है। तो मैंने कहा ये एक्स एमएलए थे क्या? वीडियो है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, मेरे में बीती। देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर आप किसी के अच्छे और सच्चे या बुद्धिमान के सामने बोलना चाहो तो माननीय सभापति महोदय, मैंने मेरा एक खुद का सोच बनाया है, बोलने से पहले अगर आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है या परेशान हो रहे हो तो बोलने से पहले पेंट पजामा इतना ढीला कर लीजिए कि पैर हिले तो अंदर अंदर हिले बार पता ही नहीं लगे। घबराहट तो होती है, मुझे भी होती है, लेकिन दूसरी कई चीजें ऐसी आई। किशनगढ़ से मकराना मेगा हाईवे है और जहां जहां बिजली के तार क्रॉस करते हैं माननीय सभापति महोदय, मेगा हाईवे में तो 25-22 फुट ऊंचे क्रॉस करने वाले बिजली के तार होते हैं। जहां जहां से हमारे राहुल जी निकले मकराना से किशनगढ़, सारे तारों को ऊपर कर दिया, ये मेरे समझ में नहीं आई। इसका मैं जवाब चाहूंगा, मेरे अगर मुझे मौका मिले तो मेरे कांग्रेस के मंत्रियों जी, अध्यक्ष जी से या सीएम साहब से, उनको पता तो है राहुल जी थोड़े से एक उछल कूद करने वाले हैं, थोड़े से एक मस्त रहने वाले हैं, लेकिन कोई आदमी इतनी 30 फुट की ऊंची उड़ान उड़ सकता है? अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने देखा कि क्या पता क्या कहते, आए तो ट्रैक्टर पे थे और कहते चलो ट्रैक्टर को ट्रक में डालो, और ट्रैक्टर को ट्रक में डालने के बाद में निश्चित तौर से ऊंचाई बढ़ जाती है। तो हमारे जो नेता होगा, जो सुरक्षा का कितना ध्यान रखा, चाहे वो अधिकारी है चाहे वो जनप्रतिनिधि है, उनकी योग्यता और बुद्धि को मैं धन्यवाद दूंगा कि 30 फुट भी अगर छलांग लगाए ऊपर कुछ भी हो जाए तो कोई खतरा नहीं था। दूसरी, मेरी और राहुल जी की कुछ समानताएं मिलती है, बताओ। मैं एक बात माननीय, वो राहुल जी है, मैं रूपाराम हूं, राशि एक है। उनकी मम्मी का नाम सोनिया है, मेरी घरवाली का नाम सरजू है।
उनकी बहन का नाम प्रियंका है, मेरे बेटे की बहू का नाम प्रियंका है। देखिए अभिभाषण पे चर्चा हो रही है, कहाँ की बात कहाँ लेकर चले गए साहब। आप तो जिया चाहो जिया ही बोलो, मत करेंगे नहीं, मुंह खोलो। गरिमा होती है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे बात करने की, लेकिन सुनो मैं मान जाऊंगा। माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी, मकराने की यात्रा आपकी पूरी हो गई, तो अब जयपुर में आ जाओ आप, सीधे जयपुर आ जाओ। एक बात मैं जरूर कहूंगा, हाँ, मैं राहुल जी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूं। अरे समानता है तो क्या है, पार्टी के अध्यक्ष बड़ी बात है और मुख्यमंत्री है, मेरा भी कभी मुख्यमंत्री में नंबर आ सकता है, इसमें क्या बात है। जो हाउस के मेंबर नहीं है उनके बारे में नहीं बोले, डिलीट कराओ इसको सब, कोई बात नहीं करना है आपको। तो उस दिन जसोदा बहन के बारे में इतना गुस्सा आया, आप ये डिलीट कराओ इसको, पूरा भाषण डिलीट कराओ, इनका पूरा भाषण डिलीट। मकराने में आए हैं, सरकारी मशीनरी ने उसका उपयोग किया है, गंभीर बात है, पूरा हाउस भाषण डिलीट कराओ। मकराने में आए हैं, सरकारी गाड़ी में गए, सरकारी मशीन का उपयोग हुआ है, पूरा विलोप मंत्री भी गए, बोलेंगे बोलेंगे सरकारी गाड़ी का उपयोग हुआ है, भाषण के अलावा गाड़ियों का बात सारी डिलीट हुई है। माननीय सदस्य प्लीज प्लीज मंत्री महोदय बिराजी, आप सभापति महोदय बिराजी आसन आपसे अपेक्षा करते हैं। माननीय सभापति महोदय प्लीज बिराजी, आप बिराजी, ये गलत परंपरा है बिराजी, सभापति महोदय ये गलत परंपरा है। गलत कैसे ये बिराजी, आप मोदी जी के बारे में बोलो, माननीय मंत्री महोदय आप केंद्र के किसी भी नेता के बारे में बोलो, पैरों पर आप बीजेपी के किसी भी नेता के बारे में बोलो, वो परंपरा शुद्ध है, वो सही। बिराजी 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 माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आज सीएम साहब, माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय बिराजी, आप प्लीज सेव करें। माननीय मंत्री महोदय का नेता प्रतिपक्ष का स्पीच भी होना है, मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं ऐसी कोई बात पैदा नहीं करें जिससे अनावश्यक रूप से सनसनी पैदा हो, और ऐसी कोई बात आप अंकित नहीं करें जो इधर उधर की रखी हो, उसको बिल्कुल जो है विलोपित कर दिया जाए। रूपाराम जी, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि सीधे सीधे आप माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे आप चर्चा करेंगे, इधर उधर की आप कोई बात नहीं करेंगे। यदि आपके पास बोलने का कोई मसाला नहीं, आपने कोई आप जो है तैयारी करके नहीं आए, तो माननीय उपनेता महोदय से कहूंगा कि किसी अन्य का नाम दे दें ताकि वो समय पर अपनी बात समाप्त करें। हासिल को इससे मजाक नहीं बनाने दूंगा मैं बिल्कुल। माननीय सभापति महोदय, चौपाल नहीं है, आप जो जिसकी मर्जी है वैसे बोलेगा, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। माननीय सभापति महोदय, अब मुझे तो पता ही नहीं है, प्लीज यहाँ चर्चा क्या होती है, अलाउ नहीं करूंगा मैं। माननीय मंत्री महोदय बिराजी, आप प्लीज बिराजी, आप एक बार बिराजी, आप बिराजी, अपेक्षा करता हूँ आपसे। रूपाराम जी, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ आपको, आप बिराजी, किस बात पे बोल रहे हैं आप, किस बात पे, किस बात पे बोल रहे हैं आपसे इजाजत मांग रहा हूँ, किस बात की, इन्होंने गलत आरोप लगाई है, जब मान सारी बात समाप्त हो गई, मैं पूरी जिम्मेवारी एक आरोप लगाए तो बताओ, मशीन एक सिंगल आप प्रधानमंत्री की कुछ भी बोल जाओ, अभी इस्तीफा आपके पटल पर, आप देश के प्रधानमंत्री कुछ भी बोल जाओ, नोटंकी कर रहे बिराजी, नोटंकी कर रहे, आपने भाषण देने आते हो यार, तेरे निर्णय दे दिया, नोटंकी कर रहे दोबारा से आने वाले सारे वक्त हमने सुने, रिकॉर्ड पर मौजूद है, खाजू वालों से आने वाले माननीय सदस्यों ने रिकॉर्ड पर मौजूद है, एक माननीय मंत्री महोदय बिराजी, आप माननीय मंत्री महोदय बिराजी बिराजी बिराजी, आप बिराजी, गले में काफी जोर है आपके बिराजी, प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करें बिराजी। माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा, किसी माननीय सदस्य का कोई नाम अंकित नहीं होगा, बिराजी 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 बिराजी, आप बिराजी बिराजी, कोई नहीं बोलेगा बिराजी, आप बिराजी, अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है बिराजी, बिराजी अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं होगा बिराजी, आप बिराजी बिराजी। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य,
माननीय सदस्य प्लीज सहयोग करें, प्लीज सहयोग करें, आसन पैरों पर विराज आप। मैं जो है अपेक्षा भी रखता हूं, आज का दिन विशेष दिन है, सीएम साहब का भी अपने समय तय है, उस समय पे बोलेंगे, नेता प्रतिपक्ष से अपनी बात रखेंगे। मैंने निर्देश दे दिया कि कोई ऐसी बात अंकित नहीं होगी जो विषय से हटकर के है। अब आप प्लीज सेव करें, और जब कोई बोल रहा है तो बीच में आप इंटरव्यू नहीं करें। कुछ अच्छी परंपराएं सीखेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। एड़ी चोटी का दौर लगा करके आप इस सदन में पहुंचे हैं, आपको भाग्य से यह सदन मिला है, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूं कि सदन आपको कांटों की तरह से चुप रहा है। आप अपनी बात नहीं रखना चाहते, कल अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर बाहर बैठना चाहते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है, पूरा जोर और पूरी पता नहीं किन किन के आशीर्वाद से आपको इस सदन में बैठने का मौका मिला है, लेकिन इसके बाद आपको इस सदन कांटों की तरह चुभ रहा है, क्या अच्छा लगता है आप सबको? मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं, कृपया जो है उत्तेजना पैदा नहीं करें। आज विशेष दिन है, माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय सीएम साहब का रिप्लाई होना है, समय पर रिप्लाई होना है, इधर उधर की बात नहीं करें, ऐसा कुछ भी अंकित नहीं होगा जो विषय से हट करके है। माननीय रूपाराम जी सीधे सीधे आप अपनी बात पे आएंगे, और मैं अपेक्षा कर लूंगा दोनों सदन के दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से, प्लीज आप इतने जो उत्तेजना पैदा नहीं करें, सहयोग करें। सभापति महोदय बिराजिए माननीय दोषी साहब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, अपने सदस्यों से कहिए वो अनुशासन में रहे। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी नज़र में भावुक हूँ, मैंने कभी शब्दों में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में शब्द गिरे हुए नहीं निकाले, ये मेरे बारे में बच्चा बच्चा जानता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब आप सीधे अभिभाषण पे आ जाइए। लेकिन मैं भी माननीय सभापति महोदय, मेरी भी भावना है, मैंने भी 5 साल पहले और अब इस 2 साल में मैंने भी विधानसभा की कार्रवाई को और माननीय सदस्यों को देखा है। चुने हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में जो चाहे शब्द निकाले हैं, मैं कभी खड़ा नहीं हुआ, और मैं तो अगर मैं किसी के बारे में बुरा शब्द बोलूं तो बुराई तो मेरी होगी। लेकिन ये कहावते हैं, इनको परेशानी क्या है, मैं एक मिनट बोल दूं, इनको परेशानी है कि कल राहुल जी आने से बीजेपी को फायदा हुआ है, कारण क्या कि कांग्रेस को नुकसान हुआ है। जब कांग्रेस को नुकसान होता है तो बीजेपी को फायदा होना है, ये हम सदस्य मानते हैं। एक सदस्य का नुकसान होता है तो हम अपने आप स्वतः ही मान लेते हैं हमारा फायदा हुआ। एक ही बात कहूंगा, उसके बाद में मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर आ जाऊंगा। आप माननीय सदस्यों, मेरे अजीज दोस्त भी है, विद्वान भी है, मैं एक बात कहूंगा, कोई आदमी अच्छा है, भोला है, सीधा है और सादा है, ईश्वर प्राप्ति होती है ऐसे लोगों को, जरूरी नहीं राजनीति प्राप्ति हो नहीं हो, ये शास्त्रों में लिखा है। अब मैं एक बात बता दूं आपको, मान लिया सर हरीश जी है या जो भी नेतागण है, कि एक बात लास्ट कोई बात अंकित नहीं होगी। हाँ, ये आखिरी सब्जेक्ट से हटकर के जो भी बात है किसी के आखिरी लाइन है, बिल्कुल अंकित नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ सीधे अपनी बात पे आइए, वरना मुझे दूसरा नाम पुकारना पड़ेगा। एक लाइन बता दूं साहब, बिल्कुल नहीं, किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा माननीय सभापति महोदय, कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी। मारवाड़ी कहावत बोल रहा हूँ, एक मारवाड़ी कहावत है, एक उनको इनको परेशानी क्या हुई है, कुछ गड़बड़ हो गई। मारवाड़ी कहावत है कि बोड़ा की बिगाड़ी डावाऊं कौन सुधरे, देखो सीधो साधो और बोड़ो बाड़ो बिगाड़ देने, बिना होशियार होशियार आदमी कौन सुधरे, और कौन सुधरी तो मारू नहीं संभड़े, अब मैं कौन बोलूं। अच्छा अब मैं तो बोलबो तो मैं तो किसी की, और मैं फिर कहता हूं, मैं अगर किसी माननीय सदस्य की और खास बांका संपर्क आला की अगर कोई ने तकलीफ हुई है तो मैं यही क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य जीवन में किसी को तकलीफ नहीं देना है। मैं तो देखियो के थे, अरे भाई मैंने तो मेरा कीमती समय आपके नेता पर खर्च किया, आप तो मुझे धन्यवाद दे के टेबल बजाइए ना, मुझे कहां वक्त मिला है किसी के बारे में चर्चा करूं। अब मैं ये बता रहा हूं माननीय, अभी भाषण पे बरसों पहले माननीय मंत्री महोदय प्लीज सहयोग करें, नहीं टूटे खाट तो कहीं करे बापड़ो जाट। जोकर सब दिनों ने लोग तो देश के प्रधानमंत्री को जोकर कहते हैं, आप इनसे जुड़ रहे हो, जोकर कौन है, लोग तो देश के प्रधानमंत्री को जोकर कहते हैं, देश के लोग तो देश के प्रधानमंत्री को, ये
जानता है ना, देश जानता है जोकर कौन है। आपकी पार्टी के नेता नहीं करेंगे, अपने नेताओं के लिए कहते हो ना, कहना क्या है, जोकर कौन है, अपने नेताओं को कुछ कहो। इसके प्रधानमंत्री को लोग जोकर, राहुल गांधी जी का नाम ले रहे हैं, राहुल गांधी जोकर है, राहुल जी का नाम ले रहे हैं, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है, नादा है कि गुनाह करके भी मुस्कुराते हैं, वो इतने नादा है कि गुनाह करके भी मुस्कुराते हैं। किसी को जोकर कहोगे तो आपको पप्पू सुनना पड़ेगा, कहाँ राम राम कहाँ टैट है आप प्रधानमंत्री जी, कहाँ है आपके बिराजी, उनको लोग पप्पू कहते हैं, वो बोल रहे थे आप कल क्या बोल रहे थे, अपने आप जोकर पे गुस्सा आ रहा है, व्यवस्था है कल आप लोगों को कह रहे थे ना तलवे चाटने की, अपने आप ये व्यवस्था है, तलवे चाट रहे हो, अपने आप विलोपित होगा। राजेंद्र राठौर किसके तलवे चाट रहे हैं, कल बातें कर रहे थे बड़ी बड़ी, प्रधानमंत्री का जोकर वो इतने माननीय सभापति महोदय सही है भैया, वो इतने प्रधानमंत्री को लोग जोकर कहते हैं, जोकर देश को बेच दिया, नेता अपने सदस्यों से तो देश को बेच दिया, उसको बेच दिया, विराजिए आप, जो भी एसएससी दिया होगा अपने आप विलोपित होगा, प्लीज सेव करें, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है, ऐसे बोलेगा क्या, अंकित नहीं हो रहा है, माफी सेव करें, प्लीज सेव करें, मैं सदन के दोनों माननीय सदस्यों अपेक्षा करता हूं, प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करें, आज का विशेष दिन है, मैं तो समझा आप इस बात का, प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करें, आप बहुत वरिष्ठ हैं, प्लीज सेव करें। माननीय मंत्री महोदय जोशी जी, लोग देश के प्रधानमंत्री को जोकर कहते हैं, हमने नहीं कहा, हम इतने हल्के नहीं है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, हम इतने हल्के नहीं है, हम नहीं कहते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को लोग जोकर कहते हैं, हमने नहीं कहा। माननीय मंत्री जी, कम से कम आपसे अपेक्षा रख सकता हूँ मैं, प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करें, राजेंद्र राठौर प्लीज सेव करें, बिराजी आसाराम जो भी है संसदीय होगा अपने आप विलोपित होगा, आसाराम गप्पू प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करें, प्लीज 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 सेव करें, मदन जी प्लीज 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 सेव करें, बिराजी आज के विशेष दिन का शायद महत्व आप दोनों नहीं समझना चाह रहे हैं। सीएम साहब का माननीय नेता प्रतिपक्ष का रिप्लाई टाइम पे होना है, यदि परंपरा तो और अनुशासन में आप चल लेंगे तो कुछ छोटे थोड़ी नहीं हो जाएंगे आप। मैं पुनः जो है आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, प्लीज सेव करें, मत बोलिए बीच में, प्लीज सेव करें, ऐसा कुछ भी जो है अंकित नहीं होगा, जो एसेंसरी होगा केवल जो वक्ता जिसको मैंने नाम पुकारा है उसके अलावा किसी का भी अंकित नहीं होगा, प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करें। माननीय नेता प्रति उपनेता महोदय अपने जो दल के सदस्य हैं उनसे आप कहें सेव करें, प्लीज सेव करें, प्लीज प्लीज चेकाओ साहब, आप बिराजिए, बिराजिए आप, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको, अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य प्लीज सेव करें, बिराजिए 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 आप बिराजिए, प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करें, एक बार आप सेव करें, आप एक बार बिराजिए, बिराजिए एक बार, बिराजिए एक बार, बिराजिए बिराजिए, प्लीज 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 एक बार सेव करें। माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है, प्लीज गौर साहब प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करें। माननीय उपनेता महोदय क्या अपेक्षा करूं आपसे, प्लीज सेव करें, प्लीज प्लीज। माननीय राजकुमार गौड़ साहब
गौड़ साहब बिराजिए, आप बिराजिए, बिराजिए। सभापति महोदय, रूपाराम जी बुलावा किया ना, तो मेरा उद्देश्य शोर कराना था, न किसी को बोर करना था और ना किसी को कहता कि तेरा जोर करना था। मैं बटकी राहों में दौड़ तो मत लगाओ, बटकी राहों में दौड़ तो मत लगाओ, न आस को वापस कोई बात नहीं, तनिक ठहर तो जाओ, वरना वरना अनचाही राहों में इतने दूर चले जाओगे, लाख चाकर भी वक्त वापस आने का निकाल नहीं पाओगे। वो इतने नादा हैं कि गुनाह करके भी मुस्कुराते हैं, मुझे देखो उनके गुनाह से हम अपने आप में शर्माते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर अगर टूट गई खाट तो क्या करे बापड़ा जाट, इसमें मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, मेरी बनाई हुई नहीं है, ये तो उनके जो खाती ने बनाया उसको दोष दो, ऐसी क्यों बना दी। अब मैं थोड़ा सहयोग कर लो, छोटे नहीं हो जाओगे आप। साहब आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले दूजा बंदा सरी जंजीर। मैं अब शुरू करता हूं। माने सदस्य, हम 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें आप। समय पूरा होगा तो अपने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोल लिए वो क्या कर लेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ, कुछ होता है तो मैं तो सोचता हूँ कि भाई आपके अपनत्व है, प्रेम है, आप बोलने का मौका देते हैं और मौका मिलते सब एक दूसरे को धोखा देते हैं, इसलिए मैं भी बोल देता हूँ। वैसे तो हम नेताओं ने दिया ही दिया, लिया क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय एक सदस्य जो हमारे विधानसभा के हैं, 3 दिन पहले उन्होंने एक भावनात्मक भाषण दिया, मैं उनसे मिला हूं, आपके यहां बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि दी जा रही थी विधायकों को, कभी हमारा भी नंबर आएगा। उनके गंभीर बीमारी है, मैं उनसे मिला हूं माननीय सदस्य, उनके बड़ी बीमारी है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, और ऑपरेशन कराने जा रहे हैं कल, तो मैं उनको हाथ दे के कहा कि मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूं, क्यों देर इज मैनी क्वालिटी इन माई बॉडी और भगवान मन बनाए, जरा जाट हूं सर, हियर इज नथिंग हैपनिंग अकॉर्डिंग रूल एंड रेगुलेशन, मैं गायक हूं, जननायक हूं, लायक हूं, विधायक हूं, और आप कहते हैं कि नालायक हूं। मैं ये बात कहने जा रहा हूं माननीय सभापति महोदय, ऑपरेशन होने वाला उनका, मैंने कामना की है प्रभु पिता परमेश्वर आपको स्वस्थ रखे, वापस आए। मेरा भी 2 बार ऑपरेशन हुआ अभी इन 6 महीनों में। जब आदमी बीमार होता है, ऑपरेशन होता है, तो कई तरीके सोचता है, मैं विधानसभा में बैंक में पैसे निकालने आए तो मैंने कहा विधानसभा मेरी माँ दोबारा बुला लीजिए, मना डर तो लगे ये सर सगड़ा नहीं। माननीय मंत्री महोदय बोलना प्लीज। शान आंदोलन के बारे में मैं ये कहने जा रहा हूँ, सुनो माननीय सभापति महोदय, किसानों की आंदोलन की बात जायज हो सकती है, कुछ इस कानून या नियम या बनने में कमियां रह सकती है, लेकिन माननीय सदस्यों क्या कमी के बाद में उसका जो स्वरूप है वो सड़कों पे होगा? लोकसभा और विधानसभा और चुने हुए नेताओं का प्रजातंत्र में उपयोग है या नहीं है? लोकतंत्र की रक्षा करेंगे कब का हमारे मोदी जी के इसमें गद्दार है या इसमें फला फला है, वो अपने आप ही पैदा कर रहे हैं। वो कह रहे कांग्रेस आज भी किसानों के आंदोलन को हमारे प्रधानमंत्री जी ने पवित्र माना है, बोलते कौन है? अपने आप ही बोलते हो कि मोदी जी ने ये कह दिया, मोदी जी कब कहेंगे गद्दार है? लेकिन मोदी जी ने ये कहा कि इस सच्चे और पवित्र आंदोलन को ऐसे लोगों ने अगवा कर लिया है जिनका उद्देश्य किसानों का भला नहीं, जिनका उद्देश्य और है, जो मिले हुए हैं, जो देश में अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, जो आजादी को खत्म करना चाहते हैं। याद रखो मैं मोदी जी की एक ही बात कह रहा हूँ, मोदी जी इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय, मोदी जी कह रहे जी और जीने दो, ना तो हिंदू का है ना मुसलमान का है, यहाँ सभी का है। महोदय के अभिभाषण से इतर लगातार बातें कही जा रही हैं। मेरी आपसे विनती है, आप निर्देशित कर। मुझे मोदी जी पर बोलने की कही वो भी नहीं बोलने दे रहे हो। अरे साहब मुझे मोदी जी पर बोलने की कही, हालांकि मैं बोलता नहीं, बोल गया तो वो भी नहीं बोलूं। देखो मैं तो एक बात बताता हूं, मैं आपकी खुशी के लिए अगर आप खुश हो तो माननीय सभापति मुझे कह दीजिए, बैठ दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो मान सम्मान का भूखा हूं। लेकिन समझो मैं इस बात पर बोलना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय,
आदमी आदमी की पहचान खोता जा रहा है, इसीलिए तो दुखी होता जा रहा है। हंसने की बजाय रोता जा रहा है, थोड़ा पाने के चाहत में सब कुछ खोता जा रहा है। आदमी आदमी की पहचान खोता जा रहा है। सच कम और ज्यादा झूठ जहां, पग पग पर नित दिन लूट जहां, भाई भाई में फूट जहां, और जाए स्वार्थ पे रिश्ते टूट जहां। अरे भाई को भाई देता है मुंह खोल के खुद माँ की गाली। ए भारत के रखवालो, तब तुम कैसे करोगे रखवाली? बगिया जब लूटी जाएगी, ऋषय दे देगा जब खुद माली। मैं एक बार फिर कह रहा हूं माननीय सदस्यों, हम रहे न रहे खुशबू हमारी रहा करेगी। लोग कहें न कहें जमी जरूर कहा करेगी। जमी बोलती है आदमी के जाने के बाद, और आदमी तो बोलता है सिर्फ आदमी के आने के बाद, बाहर भी आती है पतझड़ के जाने के बाद। अभी हम कभी हम भी याद आएंगे जमाने से जाने के बाद, हम हमारे कर्मों के द्वारा याद आएंगे कि वो अच्छा था सच्चा था। जिंदगी में लड़ाई क्या माननीय सभापति, लड़ाई है झूठ और पाप और पुण्य धर्म अधर्म की। आज सबसे बड़ी कमी यही है कि हम लोग क्षणिक फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए हम दूसरों को झूठा और बेईमान बता देते हैं। इसलिए मैं तो यही कर रहा हूं, दूसरों को दुख देकर खुद गए। माननीय सभापति महोदय, ये मेरा सोच है, दूसरों को दुख देकर खुद के सुख की कामना में इतनी सच्चाई है, दूसरों को दुख देकर खुद के कामना में इतनी सच्चाई है जितनी झरनों के रूप में उतरे पानी के पहाड़ से दोबारा चढ़ने में। हम दूसरों को दुख देकर दूसरों को अपमानित कर दूसरों का हित चाट कर दूसरों की भलाई को अपनी भलाई बताकर कभी सुखी नहीं हो सकते। ये शायद अभिभाषण में नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का सार है, मैंने जो सोचा है। अभिभाषण में आप बोलिए दो घंटा, डेढ़ घंटा, एक घंटा, आप अपनी आत्मा को पूछो ना, खुद का मूल्यांकन कीजिए ना। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को खुद का मूल्यांकन कीजिए कि खुद के गढ़ की खुद जानो या फिर आपका रब जाने। अरे दूसरा कहने वाला तो खुद झूठा बेचारा, वो आपकी कब जाने। आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि इस लोकतंत्र के माध्यम से आपने गरीब जनता को क्या दिया है, और सेवा के नाम से आपने अपना कितना पेट भर लिया है। मूल्यांकन कीजिए पिता परमेश्वर ईश्वर, जो ग्रंथों में है, जो धर्मों में है। ये विधानसभा घोल है माननीय सभापति महोदय, सारी सदन घोल ही होते हैं क्या? इसमें कोई कोणा नहीं है। किसी ने कह दिया विधानसभा में जाके कोने में बैठ जा, वो बेचारा दिन भर घूमता रहा, कोणा नहीं मिला। जब इसमें कोणा नहीं है तो मेरा सोच है ज्यादातर सदस्य जनता की बजाय अपनी पार्टी और खुद के फायदे के लिए सोचते हैं। ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी दुख की बात है, ये बुराई की बात है माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, गीत तो आपको मैं पहले कहूं ना, बार करो ना, थोड़ी देर बाद में गीत सभा रख लियो, अड मैं गीत गाऊं और मैं जट जीत रहा हूँ। जनता चाहे कि मैं भी की अबार तो आल पानी में बोलूँ, थोड़ो बिजली पर बोलूँ, थोड़ो किसाना के बोलूँ, थोड़ी मारी शान पर बोलूँ, किसाना की शान पर बोलूँ। मैं काई हुए साहब, मैं कहूँ काई हुए राजनीति मार में, 5 साल में काई बीती। मैं देखियो जस की बरगी जोड़ी, उल्टी की तो रीति की रीति। रे मारी राजनीति तू कती गई बीती, रूप लियो बापड़ो आर्यो और जीतो, मन मारी मारी जनता जनता तो जीती जीती। ये राजनीति है, ये राजनीति है। मैंने कहा पवित्र गंगा से भी पवित्र है, मंदिर से पवित्र है, गीता कुरान से भी पवित्र है, क्योंकि राजनीति के माध्यम से हम चाहे तो, मैंने पहले कहा, स्वर्ग में जा सकते हैं। इसमें सेवा का मौका बहुत है, लेकिन अब जैसा करोगे वैसा भरोगे। गलत तरीके से कमाया हुआ माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को पूरे आप सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, झूठ कपट बेईमानी और गलत तरीके से कमाया हुआ धन और मान सम्मान उतना ही सुख देगा जितना हम हमारे लिए एक मकान बना रहे हैं जिसमें ईंट कमजोर, सिरमट कमजोर, सरिया कमजोर, बजरी कमजोर। मकान बनाने के बाद में क्या आप माननीय सभापति महोदय आप बता सकते हैं कि इतना हमने मकान बनाया जिसमें सारी त्रुटियां, क्या हम उसमें आराम से नींद ले सकते हैं, उसमें सो सकते हैं क्या? नहीं सो सकते। इसलिए झूठ कपट बेईमानी से कमाया हुआ धन वाला आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। उसको पता है कि मैंने क्या गड़बड़ा की है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, उस लोकतंत्र राष्ट्र की जनता का दुर्भाग्य इससे ज्यादा क्या होगा कि जनता द्वारा, ये महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं और मैंने टाइम दीजिए, ऐसी नहीं हमारा बिजली पानी वाला सड़क वाला मुद्दों रह जावे, मारो सपनों बनाए वाला ऐसी नहीं हो डे जावे। तो मैं ये कहूंगा उस प्रजातंत्र, उस लोकतंत्र राष्ट्र की जनता का दुर्भाग्य इससे ज्यादा क्या होगा सभापति महोदय, कि जीता हुआ जनप्रतिनिधि, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं जो मैंने 20 साल पहले लिखी है, जीता हुआ जनप्रतिनिधि जनता के हित की बजाय खुद के हित की सोच में लगा है, सेवा की बजाय खुद की सेवा करने लगा है। और माननीय सभापति महोदय, जब उस नेता पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे, वो सीधी साधी भोली वाली जनता उसको फिर से बचा लेगी। और रूपो तो माको है और वो तो जाट है। अरे ठाकुर नहीं का वो जाट था ना, 5 साल गियो चाट और फिर भी आगे बढ़ाई करो।
ये हिंदुस्तान की जनता बहकावे में आ जाती है, चाहे बेचारी सोड़ी बोली डाली है, चाहे पार्टी के माध्यम से, चाहे जाति के माध्यम से। मैं एक बात बताऊं, अगर किसी जाति का आदमी अच्छा और सच्चा तो उस जाति का नाम होगा। आज ये परंपरा पड़ चुकी है माननीय सभापति महोदय, समाप्त कर दूं, थोड़ा पानी बिजली बोल लूं। प्लीज सेव करें, हमारी तैयारी है। माननीय सभापति महोदय एक बात कहूं बिजली के बारे में, किसानों के बारे में। ऐसा आप दो मिनट तो और दे दो मैंने। ए राहुल जी काट लियो, थंगा जमा कर लियो बठीने। मैं आपने हमारी सब मुख्य बात तो आई है, नहीं तो मकर नाम जार कहूँ गाई में तो कहीं बोलियो। अब समाप्त। हाँ, मैं तो बाकियों पर देखो, हमारे घर में हमारी काकी जी वेंटिलेटर पर है, बीमार है, फिर भी मैं बोलवान आयो हूँ। एक मिनट बोलो भाई साहब, मैं थांके बड़ाई करें कौन करूँ थांकी। मैं तो मैं आके बोचा हूँ किसानों की समस्या, किसानों के विदय की आपने चिंता है, आपने राजस्थान की सरकार ने अन कांग्रेस वाला ने तो मकराना में या राजस्थान में बिजली कती दे थे। अरे एक चीज जो पैसों से माँ बाप के अलावा सब खरीद सकते हैं, किसान अपनी फसल के लिए, अपने बच्चों को पेट भरने के लिए, आज बिजली 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं दे रहे हैं। और गांव में सबसे बड़ी बात है माननीय सभापति महोदय, गांव का बच्चा अमीर गरीब पढ़ भी नहीं पा रहा है। 5-5-6 घंटा बिजली मिल रही है और फिर कह रहे हैं कि किसानों की हित की बात करेंगे। दूसरी पानी में एक बात कहूं माननीय सभापति महोदय, आप भी माननीय सदस्यों को बता रहा हूं, ट्यूबवेल जब आप घर में ट्यूबवेल खोदते तो 4.5 लाख में खुद जावे और सरकारी योजना में खुद 8-10 लाख में और वो ही पूरा चाले को नहीं। तो एक मैं पहले भी लिख दी माननीय मुख्यमंत्री जी, एक सड़कों के बारे में मैंने कहा है, सड़क आप कितना एक अच्छा मसालो लेर बनावा, 3 साल में सड़क। श्री अमित चाचा स्वास्थ्य विभाग एक बात तो, एक मिनट तो बोल बे दो साहब। धन्यवाद सभापति महोदय, एक मिनट तो बोल बे दो माननीय सभापति, आपने मुझे एक मिनट बोलूं कि निरोगी राजस्थान पर बोलूं सड़का में देखो जो कि रूटी रिटाई बातें बोल गया सड़का में देखो जो कि रूटी रिटाई बातें बोल गया सड़का में मैं निरोगी राजस्थान पर बोलूं साहब भी मैं कहूं सर आप राजस्थान ने निरोग और आग बचाओ माननीय स्वास्थ्य मंत्री मैं तो ही कहूं कि मिलावट की चीजें हैं ना, थोड़ी पकड़ो। बाकी आपके प्रयास की मैं सराहना करूं, बिन थोड़ी पकड़ो, बाकी आपकी ठीक है। बिल्कुल नहीं, ये मिलावट की चीजें इंसान को जिंदा इंसान को मार रही है। रूपाराम जी प्लीज सेव करें, आप डॉक्टर ने अस्पताल में लगाओ।